हेलो स्टूडेंट्स रियल रियलांसिस के थर्ड यूनिट के ट्वेंटी फिफ्थ लेक्चर में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग क्लोज सेट से रिलेटेड एक और थ्योरम देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप कोई भी दो क्लोज्ड सेट ले लें और दोनों का अगर आप यूनियन निकालें तो वो भी एक क्लोज सेट ही होता है और आपने ये देखा था कि ऐसा नहीं है कि कितने भी सारे क्लोज्ड सेट ले, ले लीजिए और यूनियन कर दीजिए तो क्लोज ही आएगा ठीक है मतलब यहाँ पे कई सारे क्लोज सेट का अगर आप यूनियन कर दें तो कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज सेट आए लेकिन हाँ अगर दो या तीन या पाँच ऐसे क्लोज सेट लें और यूनियन करें तो क्लोजड सेट ही आता है ठीक है ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट जो होता है वो एक क्लोज सेट होता है मतलब अगर आप दो क्लोज सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्लोज सेट आएगा इसको प्रूफ करना बहुत ही ईजी है बहुत ही ईजी अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये प्रूफ समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं लेट से लेट एफ वन एंड एफ टू बी क्लोज सेट मान लेते हैं कि एफ़ वन और एफ टू क्या हैं? क्लोज्ड सेट्स हैं ठीक है एफ वन और एफ़ टू क्या हैं? क्लोज सेट्स हैं ठीक है और हमें प्रूफ करना है कि दोनों का जो इंटरसेक्सन uh, है वो एक क्लोज सेट होगा वी हैव टू प्रूफ वी हैव टू प्रूफ एफ़ वन इंटरसेक्शन एफ टू इज़ अ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड सेट ठीक है अब देखिएगा बहुत ध्यान से अगर एफ वन एक क्लोज सेट है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि एफ वन डैश जो है वो एक्चुअली में एफ़ वन के अंदर प्रेजेंट होगा मैंने आपको क्लोज सेट के बारे में पढ़ाया है कि डिराइव्ड सेट जो होता है उस सेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है तभी आप क्लोज कहते हैं एफ़ टू भी तो क्लोज्ड सेट है तो अगर एफ़ टू एक क्लोज सेट है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ़ टू यहाँ एंड लगा लीजिएगा ठीक है एंड एफ़ टू डैश जो है वो भी एफ़ टू के अंदर कंटेन होगा ठीक है यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एफ़ वन डैश इंटरसेक्शन सेक्सन एफ़ टू ये कंटेन होगा कंटेन होगा एफ़ वन इंटरसेक्शन एफ़ टू के अंदर बताइए ये कह सकता हूँ मैं अगर ये सेट इसके अंदर कंटेन है और ये सेट इसके अंदर कंटेन है तो आप इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन करिए तो वो सबसेट होगा जब आप इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तब ये चीज़ मैंने आपको सेट थ्री में पढ़ाई है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और सी जो है वो डी का सबसेट है तो अगर आप ए और सी का इंटरसेक्शन कर दें तो वो सबसेट होगा जब आप बी और डी का इंटरसेक्शन कर देंगे तब ठीक है ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई है वही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि अगर ये चीज़ इसका सबसेट है और ये चीज़ अगर इसका सबसेट है तो अगर आप इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन कर दें तो वो सबसेट होगा जब आप इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन करेंगे उसके और याद करिए जब मैंने आपको डिराइव्ड सेट से रिलेटेड थ्योरम्स करवाए थे तो मैंने उस वक्त बताया था आपको कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप डिराइव्ड सेट निकालें तो ये सबसेट होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के तो मैं लिखूँगा सिंस सिंस वी नो दैट सिंस वी नो दैट ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत ही पहले बताई थी ठीक थी। है तो सिंस वी नो दैट कि एफ़ ओ वन इंटर एफ़ टू का जो डेराइवड सेट होता है वो एक्चुअली में सबसेट होता है एफ़ वन डैस इंटरसेक्शन एफ टू डैस के ठीक है मतलब ये जो सेट है वो इसके अंदर प्रजेंट होता है और ये जो सेट है वो एक्चुअली एफ़ वन इंटर एफ टू के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैं आगे ऐसे और लिख सकता हूँ क्या कि दिस सेट इज़ एक्चुअली में सबसेट है एफ ओ वन इंटर एफ़ टू के है ना ध्यान दीजिए ये जो सेट एक्चुअली में एफ़ वन इंटर सेक्सन एफ टू का सबसेट है तो वही मैंने आगे लिख दिया है अब मैं बस इस बीच वाले चीज़ को हटा दूँगा तो क्या हो जाएगा एफ़ वन इंटरसेक्सन एफ टू का डेराइव सेट जो है वो एक्चुअली में सबसेट होगा एफ़ वन इंटरसेक्सन एफ टू के ठीक है तो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन हमें आई है ये जो हमें लाइन मिल रही है वो हमसे बता रही है कि किसी एक सेट का जो डिराइव्ड सेट है उसी सेट के अंदर प्रेजेंट है इस सेट का डिराइव्ड सेट है ना ये तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिराइव्ड सेट है वो सेट के अंदर प्रेजेंट है डिराइव्ड सेट जो है वो सेट के अंदर प्रेजेंट है तो ये तभी होता है जब सेट क्लोज हो तो इसका मतलब ये चीज़ क्लोज है और क्या दिस एम्प्लाइज एफ वन इंटरसेक्सन एफ वन इंटरसेक्सन एफ टू इस क्लोज डेराइव सेट अगर सबसेट बन जाएगा तो इसका मतलब सेट क्लोज है एफ वन इंटरसेक्सन एफ टू क्लोज सेट ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये, ये प्रूफ समझ में आ गया होगा बहुत ईजी प्रूफ है ठीक है अब चलिए देखते हैं कि अगर मैं बहुत सारे क्लोज्ड सेट लूँ और इंटरसेक्शन करूँ तो क्या क्लोज्ड सेट आएगा क्या आप बहुत सारे क्लोज्ड सेट ले लें इन्फाइनइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लें ले और इंटरसेक्शन करें तो क्लोजड सेट आएगा जी हाँ बिल्कुल आएगा इस बार इफ बट मे बी ये सब नहीं लगेगा हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है और इसका प्रूफ एकदम सिमिलर है ओपन सेट से रिलेटेड जो मैंने थ्योरम कराया था एकदम उसी के सिमिलर है आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं वैसे तो ये करने की जरूरत तो नहीं है आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहते हैं तो करिए नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए ठीक है बस समझ लीजिए कि अगर आप बहुत सारे क्लोज सेट ले लें और इंटरसेक्शन करें तो क्लोज सेट रहेगा अब देखिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं ओपन सेट के, के केसेस में क्या हो रहा था ओपन सेट में भी यूनियन और इंटरसेक्शन करने पे ओपन हो रहा था और क्लोज सेट में भी हम लोगों ने देखा है कि ओपन और यूनियन और इंटरसेक्शन करने पे क्लोज्ड सेट हो रहा है ठीक है समझिएगा लेकिन ओपन सेट के केस में अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट लें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट लें ठीक और क्लोज्ड सेट के केस में अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लोज सेट लें प्रॉब्लम इनफ्राइट नंबर पे आती है मतलब बहुत सारे अगर आपके पास क्लोज्ड सेट हैं और बहुत सारे अगर आपके पास ओपन सेट हैं तो इस केस में यूनियन जो होता था वो ओपन सेट बनता था लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो ओपन सेट नहीं बनता था ये मैंने आपको पढ़ाया था मतलब अगर आप बहुत सारे ओपन सेट ले रहे हैं और यूनियन कर रहे हैं तो वो ओपन सेट बनेगा लेकिन अगर आप बहुत सारे ओपन सेट ले रहे हैं और इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट हो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मैंने चीज़ आपको पढ़ाई थी तो क्रॉस नॉट नेसेसरली एम्प्लाईज कि वो ओपन सेट होगा ठीक है या नहीं होगा उसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लोज्ड सेट ले लें और अगर यूनियन करें इस केस में जब यूनियन करते थे अभी हमने देखा पिछले वीडियो में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लोज सेट लें और यूनियन करें तो कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड सेट आए ठीक है एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था लेकिन इंटरसेक्शन करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का वो क्लोज सेट आता है ठीक है तो आप देख रहे हैं उल्टा बिहेवियर वीए है ओपन के केस में यूनियन में आ रहा था ओपन सेट लेकिन यहाँ पे क्लोज में नहीं आ रहा है लेकिन इंटरसेक्शन करते समय ओपन सेट का ओपन नहीं आ रहा था लेकिन क्लोज्ड सेट के केस में आ रहा है ठीक है तो इस तरह से याद रखिएगा जो बच्चे से नेटवर्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है और जनरली कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ले लें तो उसमें क्या होगा ठीक है जनरली प्रॉब्लम इनफाइनाइट नंबर में ही होती है कि इनफाइनाइट नंबर में बिहेवियर uh, थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोनों तो सेट्स का तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ऐसे सेट बताइए जो कि ओपन भी हैं क्लोज़ भी हैं ठीक है कमेंट बॉक्स में एक ऐसा ओपन सेट बताइए जो कि ओपन भी है क्लोज़ भी है ठीक है आज आशूडेंस मिलते हैं अगले वीडियो में तो फिर गुड बाय